इसको हम लोग आज के सेशन में जानेंगे ये हमारा आज के चैप्टर रहेगा इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है ये इसका नेक्स्ट चैप्टर है तो ये टोटल दो चैप्टर इंपॉर्टेंट कैंडल्स इन अ डे इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितनी इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है वो हाउ टू यूज अभी नहीं ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीक लेकर के जाएंगे नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे हाउ टू यूज दीज कैंडल्स इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वीक के जो अपने चैप्टर्स हैं हम लोग कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो एक आप ये समझ सकते हो कि उस एक जो अपनी क्लास होगी ना ने, नेक्स्ट वीक की उस एक क्लास में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जैसे कि ये चैप्टर्स जितने रहेंगे अपने जो अभी हमने लिखे हैं इन्हें हम लोग अपकमिंग क्लासेस में क्लियर करेंगे हमने ये आज क्यों बताए हैं क्योंकि आपको एक चीज ये पता रहे ये मालूम रहे कि कौन कौन सेप्टर्स से हम लोग आने वाले वीक में या क्योंकि नेक्स्ट वीक तो हो सकता है हम हाउ टू यूज कैंडर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद वाली जो क्लास होगी वो ये वाली होगी एक रीजन इसके पीछे के बताने का ये भी कि जब क्लास हो तो उसको मिस मत किया करो क्योंकि जो भी चीज़ें हैं लाइव क्लास में बैठ करके समझना वरना ऐसे क्या ना कि रिकॉर्डिंग्स ले लो आप देखते रहो रिकॉर्डिंग्स प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग्स हम दे देंगे लेकिन जो चीजें सामने बैठ करके समझ रहे मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन है कुछ डाउट है तो हमसे यही भी क्लास में ही क्लियर कर लोगे तो वो सारी चीजें टू टू सेशन में या वन -वन में या डिस्कशन जितनी अच्छी तरह से क्लियर हो पाती समझ में आती ना उतना फिर आप लोग उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं समझ पाओगे चाहे जितना भी आप कोशिश कर लो रिकॉर्डेड हमें ऐसा लगता है क्योंकि काफी दिन से हम ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं खुद भी हमने पढ़ा है हमें जो अभी तक फील हुआ है हम अगर रिकॉर्डिंग वीडियोस देखते थे ना तो मन में थोड़ा बहुत एक फ्री माइंड आ जाता था क्या ही इसको करना है या देखना है ये तो पास में ही है नहीं समझ में पाएंगे दूसरी बार हम देख लेंगे प्ले करके तीसरी बार देख लेंगे चौथी बार देख लेंगे तो उतना फोकस के साथ शायद हम लोग नहीं समझते उस चीज को रिकॉर्डिंग वीडियोस का एक अपना ये ड्रॉबैक होता है सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा आप वन टू वन सेशन वन टू वन डिस्कशन नहीं हमसे कर पाओगे जो हैं, लोगों की वो नहीं क्लियर कर पाओगे तो का एक जो सबसे बड़ा रीजन है ना आप लोगों को ये लगता है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग लेंगे तो कुछ लोग जानबूझ करके क्लास अटेंड नहीं करते हैं कि रिकॉर्डिंग्स ले लेंगे क्लास खत्म हो जाने के बाद चार पांच लोगों का मेरे पास तो यू मैसेज आ जाता जा है जा जा इधर क्लास एंड का हम बटन बता नहीं बताओ उधर तो पांच लोगों का मैसेज आता है सर, रिकौर्डिंग, सर, रिकौर्डिंग, क्या मतलब हुआ? आप क्लास भी करो उसके बाद में आप फिर क्या, क्या फायदा हुआ आपका तो आप प्रॉब्लम है आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो उसको नोट कर लो पहले ही हमने बोला हुआ की डायरी या पेन कुछ लेकर के बैठो उसके अपने नोट बनाओ इस तरह से हम लोग आगे की तरफ करें चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी वरना क्या है बुक्स हमारे पास कितनी डेढ़ दो बुक्स रखी हुई है जब जो मन करता उठा करके पढ़ते लेकिन एक वो फ्री माइंड आ जाते दिमाग में नींद आ, नींद भी आ रही पढ़ते हुए एक पेज दो पेज तीन जितना मर्जी उतना पढ़े पहले हम लाइब्रेरी में बैठा करते जाकर के जब हम अपना स्टडी का हमारा पूरा अभी भी चल रहा है लेकिन शुरुआत में जब एज ए स्टूडेंट हम स्कूल कॉलेज का टाइम था थिएटर किया करते थे तो क्या था ना कि लाइब्रेरी में बैठते थे जाकर के सुबह दस से लेकर के शाम पाँच बजे तक लाइब्रेरी वो ओपन रहती थी लिटरेचर की लाइब्रेरी थी पूरी और वहां इतनी अच्छी अच्छी बुक्स थी पैसे भी नहीं थे कि वो बुक्स खरीद पाए तो लाइब्रेरी में बैठते थे जाकर के और वहां का एक नियम था कि आप बुक्स को बाहर नहीं लेकर के जा सकते वहीं पर बैठ करके पढ़ो और पढ़ते थे दस बजे वहां लाइब्रेरी खुलने से पहले हम पहुंच जाते थे और पांच बजे ही हम बाहर निकलते थे लास्ट में फिर वहां का जो लाइब्रेरियन थे चाबी हमें ही दे करके जाते थे जाना तो ताला लगा देना वहां हम ही लॉक करते थे और जो बाहर गार्ड थे उसको चाबी दे करके जाते थे तो चाबियां पहुंचती थी पढ़ने के लिए पूरी बुक खत्म तो जब मन में इस तरह एक, एक बाउंड्री होती है ना कि क्लियर करना अब 40-45 मिनट की डेढ़ या दो घंटे की क्लास तो क्लियर है यार डेढ़ घंटे की चीजें अगर छूट गई तो फिर समझ में नहीं आएगा हमको तो जब आप उसको एज अ कमिटेड होकर के बैठोगे ना तो समझ में आएगा नहीं ले लेंगे रिकॉर्डिंग क्लास भी चल रही है चाय भी पी रहे हैं खाना भी खा रहे हैं सारा काम हो रहा है लीड लगाए हुए हैं कान में उसको थोड़ा सा अवेयर होकर के सुनो और समझो तो तो फायदा है क्लास का लाइव क्लास का आई होप कि मतलब समझ में आगे जो चीजें भी हमने बताई मे भी हो सकता है फॉलो करना इतना आसान ना हो लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है इंपॉर्टेंट कैंडल्स देखिए टोटल फाइव मिनट की कैंडल्स कितनी बनती हैं है, है ये हमने इसलिए पूछा था कि 75 candles, पर फाइव कैंडल्स होती है रीजन ये था पूछने का सेवनटी फाइव कैंडल्स हैं अब इन 75 में से मगर ये आठ कैंडल्स निकाल दे तो कैंडल्स अपने पास बचती हैं ये 67 candles वो होते हैं जिनका जिनको कि हम बहुत कम देखते हैं हम बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते कि ये कैंडल्स बिल्कुल यूजलेस हैं लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग्स में इन सिक्सटी सेवन कैंडल्स का कोई यूज नहीं है ऐसा कहना गलत होगा लेकिन आप ये मान करके चलो कि अगर इन आठ कैंडल्स का यूज नाइनटी परसेंट है तो बाकी की सिक्सटी सेवन कैंडल्स का जो यूज होगा ना वो बहुत बहुत मतलब टेन परसेंट मान करके चलो कि दस में से एक बार हो सकता है उन कैंडल्स को देख लें लेकिन 10 में से 9 बार हमारे लिए रीडिंग्स में जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स का रोल प्ले करेंगी वो ये आठ कैंडल्स हैं फोकस ये है इन्हें समझने का, इन्हें समझने समझने का का इनके के पीछे का जो अपना पर्पस है कि ये आठ इंपॉर्टेंट हैं ये जरूरी नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज्यादा जरूरी है सिक्सटी कैंडल्स को आप मत देखो जब जैसे जैसे आप रीडिंग्स आगे की तरफ करते रहोगे अपनी प्राइजेक्शन को समझते रहोगे ना तो आपको एक एक कैंडल का यूज समझ में आने लगेगा लेकिन अभी उतना उतनी ज्यादा मतलब सेवेंटी फाइव कैंडल्स में से सिक्सटी फाइव कैंडल्स को देखने की जरूरत नहीं है तो वो कौन सी कैंडल है जिनके ऊपर फोकस कर सकते हैं तो ये वो कैंडल है जिनके ऊपर आपको अभी फोकस करना है शुरुआत में हमने क्या बताया कि यहाँ पर आपको पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं इसके बारे में हम बताएं कैसे इन्हें हम ड्रॉ करेंगे जैसे हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो कैंडल ट्रेंडिंग वॉल्यूम कैंडल इसके बाद में डे की हाई और डे डे लो की कैंडल जिसमें सबसे कम वॉल्यूम होती है इसके बाद में ये कुछ टाइमिंग का गेम होता है नौ पंद्रह तीन पच्चीस और नौ पैंतालीस ये तो बिल्कुल क्लियर ही है बाकी इन कैंडल्स को कैसे पहचाना क्या होगा सिर्फ छोटी सी चीज हम लोग देखेंगे आज यूज इनका कैसे करना है ये हम आज नहीं बताएंगे इसको नोट कर लेना आने वाली क्लासेस में हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक तो नाइन फिफ्टीन की कैंडल हो गई वो होती है मेरी स्टार्टिंग कैंडल होने के साथ साथ ये एक हाई वोलेटिलिटी कैंडल होगी है इस कैंडल की खास बात यह होती है जो अपनी स्टार्टिंग की नाइन फिफ्टीन की कैंडल होगी से यहाँ पर लिख देते हैं नाइन ये मेरी होती है ओपनिंग इस वाली कैंडल से होगी दिन की शुरुआत नाइन फिफ्टीन की कैंडल से होती है क्योंकि इसकी शुरुआत नाइन फिफ्टीन की कैंडल से होगी मतलब कि इस कैंडल में आपको अक्सर हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगी पूरे दिन में बहुत बार ऐसा होगा कि नाइन फिफ्टीन कैंडल में आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है इसलिए मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है की की कैंडल एक खास बात ये, किसी भी स्टॉक को जब आप ट्रेड करने जाओ ये पहुंचते जाएंगे तो हम इस इसको बताते हैं कि नाइन फिफ्टीन की कैंडल की खास बात यह है कि जब तक नौ पंद्रह की कैंडल का हाई ये लाइक मेरी नाइन फिफ्टीन की कैंडल है ये हो गया मेरा हाई और ये हो गया मेरा लो जब तक मार्केट 9:15 की कैंडल का हाई या फिर 9:15 की कैंडल का लो नहीं तोड़ देगी तब तक हम मान करके चलते हैं कि कि जो मार्केट है वो मूव मूव दिखा कोई भी भी बड़ा अगर आप किसी स्टॉक में देख रहे हो ना आया है तो वो 9:15 को ब्रेक करने के बाद में ही होगा या तो ऊपर के स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट वापस से रेंज के नीचे चली जाए या तो लो ब्रेक कर देने के बाद में प्राइस लो के सारे स्टॉप लॉस को हजम कर ले और फिर यहां से ये अपसाइड की तरफ चली है। लेकिन ये जो बड़े मूव्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ये, ये में है इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट होती है आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे इस नाइन फिफ्टीन की कैंडल के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट या फिर हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं नाइन फिफ्टीन से हायर टाइम फ्रेम पर इसको मर्ज करेंगे और हायर टाइम फ्रेम को मर्ज करने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम की इस कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस होगा जो कि आएगा हाउ टू यूज में वॉल्यूम के साथ में इस कैंडल का यूज करते हैं तो अभी हमने क्या देखा सिर्फ अपनी फर्स्ट नाइन फिफ्टीन की कैंडल को देखा एक ये कैंडल इसके बाद में आती है डे एंड ये दिन की सबसे आखिरी कैंडल होती है अच्छा ये भी कैंडल होगी इसलिए क्योंकि आप देख आपने ही देखा होगा कि मैक्सिमम जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमें नौ तक आउट कर देते हैं नौ पंद्रह लास्ट की कैंडल जो कि रन करती रहती है क्योंकि ट्रेड तो एक या दो कैंडल पहले से ज्यादातर ब्रोकर तो दो या तीन कैंडल पहले से बंद कर देते हैं आप ट्रेड नहीं कर पाओगे जितनी पोजिशन पड़ेंगे सारी ऑफ हो जाएंगे और जो भी आपका मार्जिन पेनल्टी वगैरह लगानी होती है ब्रोकर्स वो पेनल्टी लगा देते हैं बाकी एसप्रोसो और कोटक वगैरह में क्या है कि लोग पेनल्टी नहीं लगाते हैं छोड़ दो आप ब्रोकर निकाल दे के निकाल दे उसको कोई पैसा वैसा नहीं लेते तो ये लास्ट की वो कैंडल होती है जहां पर ट्रेडर्स तो आउट होते बट ये कैंडल्स बन रही होती नेक्स्ट डे क्या होता है ना मार्केट आप देख लेना 9:15 की कैंडल इतना जबरदस्त रोल प्ले करती है नेक्स्ट डे की ओपनिंग या फिर उस कैंडल पर जब मार्केट आती है वापस से जंप लेने के लिए जंप लेने के लिए हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में अपनी एंट्रीज में टारगेट आइडेंटिफाई करने में इस 325 की कैंडल का यूज करते हैं जैसे 915 की कैंडल मेरी इंपॉर्टेंट होती है उसी तरह से 325 की कैंडल भी इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट हमारी कैंडल है 9 945 की कैंडल का क्या है देखिए अक्सर अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं रैंडम कोई भी चार्ट उठा लेंगे मतलब मेरे पास सामने कौन सा है आरटीए 1 2 3 ये कौन सा बी अशोक लेलैंड ले आ ले गया अशोक ओपन कर लेंगे हमें कुछ नहीं करेंगे ये चार्ट आने रहा है हम सिर्फ नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल को मार्क करेंगे इसके अंदर चलिए टाइम लग गया उसको ओपन होने में ओके हमें चाहिए नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल नौ पंद्रह बीस ये है नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल ये देख रहे हैं हम कुछ नहीं करते हैं सिर्फ आपका हम आपको सिर्फ इसकी एक झलक दिखाएं कुछ नहीं करके सिर्फ नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल का आप लो मार्क कर लो यहाँ पर रीजन क्या है लो मार्क करने का हाई क्यों नहीं देखिए मार्क करने को हम हाई भी मार्क कर सकते हैं आप सिर्फ ये देखो कि 945 की कैंडल क्या इम्पैक्ट डाल रही है एक स्टॉक के अंदर जिस सिर्फ इसकी एक इम्पोर्टेंस जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं सिर्फ उसका एक छोटा सा एग्जांपल है ये इम्पोर्टेंस होती है 945 की कैंडल का आ जाएंगे हम चार्ट्स अपने आप आप व्हाइट बोर्ड पर 945 की कैंडल आपको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं देखिये एक जो साइकोलॉजी बोलती है ज्यादातर ट्रेडर्स ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि 945 बिफोर 9:45 फोर्टी यहाँ पर बहुत कम रिटेलर है कि जो एंटर होता है 945 तक बहुत पुरानी चीज है मतलब ये ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं ये आपने अगर मार्केट में आप डेढ़ या दो साल से काम करो तो आपको पता होगा 945 तक हम वेट ही करते हैं हम ट्रेड नहीं करते ये हमारा नियम है और ये नियम ऐसा नहीं है कि आकाश से उतर क्या आया है नौ पैंतालीस इसलिए क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ऑर्डर्स लगते रहते हैं ऑर्डर फ्लोज होते हैं काफी वॉलेटाइल कैंडल्स फॉर्म होते हैं अभी का एग्जांपल आपने देखा था ना कि नौ पैंतालीस से पहले जितनी कैंडल्स बनी थी सब बड़ी बड़ी बन रही थी उसके बाद में सारी कैंडल्स के साइज नॉर्मल हुए वो छोटी नहीं है वो नॉर्मल कैंडल्स हो गई एक बड़ा रीजन ये होता है कि नौ तक रुक जाओ जो हम ट्रेड एग्जीक्यूटिव आपसे करवाएंगे ना तो वहां पर ये नियम होता है नौ पैंतालीस से पहले कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं इसलिए नौ पैंतालीस की जो कैंडल होती है एक तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है ट्रेंड आइडेंटिटी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल का रोल होता है काफी ज्यादा और हम लोग यहाँ पर पता है क्या है सिर्फ और सिर्फ कोई भी कैंडल हो मतलब सिर्फ आपका यही कैंडल्स नहीं कोई भी कैंडल हो हम लोग हमेशा उस कैंडल का हाई और लो लेते हैं हमें क्लोज ओपन या ओपन या क्लोज प्राइस से कोई मतलब नहीं है हम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती हैं कैंडल्स वो होती हैं हाई और लो हमेशा हम लोग हाई लो को मार्क करते हैं चाहे वो नाइन फिफ्टीन की हो चाहे की हो चाहे नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल्स हो ये तीन कैंडल्स हो गई इसके बाद में डे हाई डे लो ट्रेंडिंग वॉल्यूम हाईस्ट हाई और लोवेस्ट लो low. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में तो एक सेकेंड जरा जस्ट एक सेकेंड रुकेगा अब आएंगे हम लोग थर्ड वाली कैंडल पर डे लो वॉल्यूम डे की लो वॉल्यूम देखिए क्या है सेवेंटी फाइव कैंडल फोर्थ वाली जो कैंडल है इसको हम लोग पहचानते हैं वॉल्यूम्स के थ्रू वॉल्यूम्स लाइक जितनी भी नॉर्मल वॉल्यूम्स बन रही हों जैसी भी वॉल्यूम्स हो आपको पूरे दिन जब मार्केट चलने के बाद में लास्ट में जब ये क्लोज हो जाएगी ना तो हमें से ये देखना होता है कि सेवेंटी में से ऐसी एक कौन सी कैंडल बनी है जो कि दिन की सबसे कम वॉल्यूम जिसने जनरेट की की ये सारी हैं 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 अब मान लीजिए हमारे ट्रेडिंग सेशन के, पूरे ट्रेड के दौरान की कई बार जो स्टॉक स्टॉक होते हैं, अच्छे आप उठा लोगे ट्रेड करने के लिए तो उसमें कैंडल्स फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है कुछ स्टॉक्स में फाइंड करना मुश्किल हो जाता है जिसमें पूरे दिन ड्राई वॉल्यूम रही है और बिल्कुल एक स्तर की सारी वॉल्यूम्स आई है तो उसमें क्या करें एकदम महीन महीन छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं तो कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल है एक्चुअली यहाँ पर हम लोग देखते नहीं है उसको तुरंत तो हम स्किप कर देंगे हमें नहीं चाहिए ऐसी कैंडल वो चाहिए स्टॉक जिसमें नॉर्मली हम देखें और देख करके समझ में आ जाए आसान ज्यादा सर नहीं लगाना उसके अंदर जब ये हमें कैंडल देखती है सबसे कम वॉल्यूम की कैंडल हम क्या करते हैं ना उस एक कैंडल को हाईलाइट कर लेते हैं जब हमें रीडिंग करनी होती है यहां पर प्रीवियस प्रीवियस डे का इंटरेस्ट लेवल हम लोग देखते हैं जैसे आपने देखा होगा वॉल्यूम प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको प्रॉपर एक प्राइस दिख जाएगा कि कितने प्राइस पर कहा पर सबसे हैवी इंटरेस्ट है बायर्स uh, या सेलर्स का या फिर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस प्राइस पर है और जो ये वाली वॉल्यूम्स होती है ना ये एक्चुअली टाइम दिखाता है कि किस समय पर कहा पर कितनी वॉल्यूम्स आई हैं देखिए जैसे ये तो वॉल्यूम प्रोफाइल हो गए तो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करती है ना हमें पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी वॉल्यूम्स जनरेट हुई हैं ये दिखा देगा इसकी बहुत हेल्प वो हो जाती है मतलब जब वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह को देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल क्या दिखाती है कितने प्राइस पर वॉल्यूम्स आई हैं और नॉर्मल जो वॉल्यूम्स हम लोग काउंट करते हैं ये एक्चुअली में दिखाती है टाइम किस समय पर कौन सी कैंडल में वॉल्यूम आई है तो प्रीवियस डे का जो इंटरेस्ट लेवल है ये हमें दिखा देती है हमारी जो अंट वॉल्यूम है वो इसका जो यूज हम लोग करते हैं अभी देखिए ये हाउ टू यूज में आ जाएगा कैसे यूज करेंगे इसके ऊपर हमें जाना नहीं आया सेशन में फिर भी थोड़ी सी थोड़ा सा एक चीज हम बताते हैं उसको देखिएगा क्योंकि फिर एक तो होता है टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम में लगाना है इसके अंदर सिर्फ मिनट मिनट का का टाइम फ्रेम रहेगा जितनी भी वॉल्यूम्स है अभी हम सिर्फ ये मान करके चलो ज्यादातर वॉल्यूम्स का जो यूज होगा फिर वही हाउ टू यूज में आ जाएंगे नहीं इसको नहीं देखेंगे भाई तो ये हो गई आपकी आंट वॉल्यूम आंट वॉल्यूम को मार्क करके हमें लाना है बिल्कुल प्रीवियस डे के सेशन से कल के सेशन में कहां पर वॉल्यूम्स आई है कल के दौरान हमें सिर्फ उतनी सी वॉल्यूम्स की जरूरत है समझ में है ना कि प्रीवियस डे में ऐसा कौन सा एरिया था कौन सी कैंडल थी जहां पर आठ वॉल्यूम बनी थी हम लोग उस कैंडल को मार्क कर लेते हैं क्या हुआ ना कि सिर्फ हमने वॉल्यूम्स की मदद से अपनी एक और इम्पोर्टेंट कैंडल निकाल ली यहां यहाँ से हम लोग फिर इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे आगे से मतलब एक वो होता है ना एक वो पॉइंट कहाँ से पढ़े अभी सेवेंटी फाइव कैंडल्स आपकी बन रही हैं तो रीडिंग्स कहाँ से शुरू कर दें हम लोग कहीं से भी उठा करके प्राइस ये हाई ये लो फलाना डिमकाना यहाँ पर प्राइस हमारा री एंटर हो, हो, हो गया ब्रेक डाउन हो गया कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे मन गड़ कहानियां उसके लिए चाहिए फिक्स्ड पॉइंट्स अपने कहाँ से पढ़ेंगे ये वो पॉइंट्स हैं जहां से रीडिंग शुरू करो अपनी इन कैंडल्स को पकड़ो और यहाँ से शुरू करो इसके साथ में डे हाई वॉल्यूम डे हाई वॉल्यूम को समझने इसमें क्या मुश्किल है मतलब पूरे दिन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी कैंडल की है इसको उठा लो आप और जितनी भी कैंडल्स हैं इनका सबका प्राइज एक्शन अपना फिक्स fix है फिक्सड प्राइज प्राइज एक्शन है कब कौन से चार्ट पर कौन सी कैंडल को हम लोगों को यूज करना है ये भी फिक्स होता है ऐसे ही नहीं कि कोई भी हमने स्टॉक उठा लिया वहाँ पर हमने नाइन फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी वो जितनी कैंडल सब मार करके रख दी हो गई हमारे लाइन्स और हम वन गेट फिटर ये नहीं करना है ये चीजें आएंगी कि कब कौन सी कैंडल का यूज किया जाएगा क्योंकि स्टॉक टू तो स्टॉक ये डिपेंड करता है वहां पर कौन सी कैंडल का हम लोगों को यूज करना है ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा और ये हम बताएंगे प्रैक्टिस करोगे कैसे आप तो दोनों चीजों को हम जानपूझ करके आपस में मर्ज नहीं कर रहे अभी सिर्फ ये समझ ये सिर्फ देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल हैं सिर्फ ये देखो इसके बाद में आती है ट्रेंडिंग वॉल्यूम वॉल्यूम ट्रेंडिंग वॉल्यूं से हमारा मतलब क्या है हमें ये देखना होगा कि प्राइस पूरे दिन में इसका ट्रेंड क्या रहा है किस दिशा में मार्केट ने मूव किया लो से लेकर के हाई मार्केट मूव की है या फिर हाई से लेकर के लो मूव किए गए हैं ये जो भी हमने ड्रॉइंग की है लो से लेकर के हाई तक ये जो अभी जो हमने चार्ट बनाया है जो ड्राइंग बनाई है इसमें लो से लेकर के हाई तक मार्केट गई है हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में ना आए कि लो से हाई या हाई से लो होता है कैसे एक्चुअली ये वाली जो कैंडल थी ना आपका काफी पहले भी इनका यूज करते थे लेकिन अभी इन कैंडल्स का के यूज हमने मतलब ना के बराबर बहुत कम बहुत कम हम नहीं करते इन कैंडल्स का के यूज इसको सिलेबस से हटा ही दिया एक तरह से अरे हम ये कौन से कैंडल मार्क कर गए नाइन फोर्टी फाइव की ये आपकी ट्रेंड लाइन वॉल्यूम ट्रेंडिंग वॉल्यूम इसको बिल्कुल हटा दिए हटा दिए तो बता क्यों रहे हैं आपको मालूम होना जस्ट फॉर योर नॉलेज हम आपको ये कैंडल बता रहे हैं कैसे यूज किया जाएगा ये भी बता रहे हैं लेकिन फिर इनसे अच्छी अच्छे कैंडल्स हैं इनसे अच्छे अच्छे पैटर्न इनसे अच्छे अच्छे ट्राइजेक्शन है जिसका कि यूज हम लोग ट्रेड कर ट्रेड के दौरान करेंगे और बताने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है हमने इसको हटा दिया लेकिन जब हम आपको बताएं तो आप इसको और अच्छी तरह से इम्पलीमेंट करो क्योंकि कुछ तो हरकत आप भी करोगे तो ये हमने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट कैंडल है अब यहाँ से जब आप प्राइस को रीड करने बैठो तो हो सकता है आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू या आपका एक अलग नजरिया आपका हो जो कि इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट को रीड करो तो आप वो चीज देख पाओ जो शायद हम नहीं देख पाए पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ इसलिए हम ये सारी चीजें बता रहे हैं लेकिन हावी मत होने देना और ये अभी से हम आपको बताने कि इन सब का यूज छोड़ दिया हमने हम नहीं करते ट्रेंड लाइन वॉल्यूम ट्रेंडिंग वॉल्यूम्स वगैरह यहाँ पर देखिए लो से लेकर के एक पहला जो नियम होता है इन वॉल्यूम्स का हम लोग छोड़ देंगे फर्स्ट कैंडल नहीं लेते इसके बाद में नाइन फिफ्टीन ये कैंडल नहीं लेते इस फॉर्मेट में फर्स्ट कैंडल को हटा दिया नाइन फिफ्टीन के कैंडल को हटा दिया इसके बाद में कैंडल्स कैंडल बिटवीन फर्स्ट कैंडल नहीं लेंगे फर्स्ट कैंडल का मतलब जहां पर मार्केट ने जिस जगह से हम लोग मार्किंग अपनी स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे जहां से मार्किंग करना हम लोग शुरू करेंगे एक लो होगा और एक हाई होगा तो यहां पर लो कौन सी कैंडल लगा रही है हो सकता है वो नाइन फिफ्टीन की भी कैंडल हो सकती है और हो सकता है नाइन फिफ्टीन की कैंडल के बाद में कोई ऐसी कैंडल हो जो अपना लो लगाए तो हम लोग उस कैंडल को छोड़ देते हैं जिस कैंडल से हम लोगों ने शुरुआत की है उस कैंडल को छोड़ देंगे जिस कैंडल ने हाई लगाया है उस कैंडल को छोड़ देंगे तो यानी कि ये वाली कैंडल कैंसिल और ये वाली कैंडल कैंसिल अब बीच में कितनी कैंडल्स बची है? सिर्फ ये वाली कैंडल्स समझ गए इसके इसके बाद बाद में आता है आपका की जितनी भी कैंडल्स बन रही ना हाई लगाने के बाद में जितनी भी कैंडल्स आपकी शेष है बची हुई है उन कैंडल्स का कोई यूज नहीं है हम नहीं देखेंगे उनको कौन कौन सी कैंडल्स छोड़ दी ये वाली कैंडल हमने छोड़ी इसके बाद में हाई जिस कैंडल ने लगाया वो छोड़ा और हाई लगा देने के बाद में या फिर लो लगा देने के बाद में जितनी भी कैंडल्स बच रही है उन सारी कैंडल्स को छोड़ देंगे तो हमारे पास कितनी कैंडल्स बन रही कौ, कौन सी कैंडल्स बच रही है एक दो तीन चार पांच मेरे पास कैंडल्स हैं अब हमें ये देखना है इन छह में से ऐसी कौन सी कैंडल जिसकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिखा ट्रेंडिंग वॉल्यूम मतलब इस पूरे ट्रेंड के दौरान में कौन सी ऐसी वॉल्यूम है जो कि सबसे हाई है तो यहाँ पर कौन सी है ये वाला और इसका ये वाला प्राइस हो गया इम्पोर्टेंट समझ गए प्राइस एक्शन की बहुत पुरानी ट्रिक है ये जो कि अब ये बनता है आपका लो और ये बनता है आपका हाई ट्रेंडिंग वॉल्यूम्स इसका चलिए हमें आपको एक एक एग्जांपल दिखाते हैं चार्ट लैक कर रहा है आप देखिए कितनी देर में ये चार्ट चेंज होगा चेंज तो हो गया यहाँ नहीं बेकार है एंजल वन ले लें एंजल वन को लेते हैं प्रीवियस डे में करना ये सब कुछ यहाँ पर हाई इस जगह पर लगा है और लो यहाँ पर लगा है मतलब पहले हाई लगा और बाद में लो लगा जब सेम हाई की कैंडल आपको दिख जाए बहुत कम ऐसा होगा जब सेम हाई और सेम लो की कैंडल दिख जाए तो शुरुआत की कैंडल अगर सेम है तो प्रीवियस कैंडल को मार्क कर लो आप तो यहाँ पर हमने देखिए कितनी कैंडल्स हमने छोड़ी शुरुआत की जो भी कैंडल्स हैं हाई लगने से पहले की जितनी कैंडल्स है वो सारी की सारी हमने छोड़ दी यहां से लेकर के यहाँ तक ये यह सारी कैंडल्स छोड़ी अब ये लो लगा लो के बाद में ये जितनी कैंडल्स हमने ये भी सब सब छोड़ दिए है ना बीच की ये कैंडल्स बची तो जो हाई कैंडल जिसने लगाया हम उसको भी छोड़ देंगे और लो कैंडल इसको भी छोड़ देंगे अब हमें जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम्स की वॉल्यूम्स हमें बताएगी कि इस पूरे सेशन के दौरान में कौन सी कैंडल जो कि आपकी एक इंपॉर्टेंट कैंडल है सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल तो यहाँ पर देखिए इसका हाई कितना है 955 की कैंडल का हाई है हमारा 2687 और इनका हाई कितना है टू सिक्स एट सेवन सेम हाई है यानी कि इस कैंडल के बाद में जो हमारी एक इंपॉर्टेंट कैंडल बच रही ये वाली है दस की high से low की तरफ आई है मतलब अब हमें करना होता है filter, इसे हम filter कैसे करते हैं तो लो लो और हाई तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी लेकिन जब प्राइस आपका हाई टू लो आएगा या फिर लो टू हाई आएगा लो टू हाई टू लो आया हम उस कंडीशन में हाई मार्क कर, आ, हाई मार्क करते हैं और और जब लो टू हाई लगाए अपने तो उस कंडीशन में हम लोग लो मार्क मतलब जब प्राइस आपका लो से अप साइड की तरफ जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग डाउन साइड का एरिया मार्क कर लेंगे और हाई से लो की तरफ आएगा तो फिर हम लोग लो हाई मार्क करते हैं ये होता है फिल्टर फिल्टर कर लेना मतलब कि एक तो पूरी रेंज मिल गई ना हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल कौन, कौन सी बन रही है ये वाली तो अब पूरा एक जोन मिल गया अब हमें फिल्टर ये करना होगा कि इन दोनों में से कौन है ये बता दो तो जो लो से अप साइड की तरफ गई तो वहाँ पर लो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका ये हाई इंपॉर्टेंट हो गया बफर देने के लिए मतलब अभी नहीं लेकिन बफर देने के थोड़ा सा पांच दस पैसे का हम लोग यूज कर लेते हैं ये किसी गिनती में नहीं आता है बस यूं ही कहीं पर भी हम एक डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपका जोन बन जाता है एक एरिया बन जाता है असल में नेक्स्ट डे के लिए ये एरिया आपका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा फिर देखिए हाउ टू यूज पर आ गया। अभी ये सब नहीं करना है यहाँ पर हमने क्या देख लिया एक ट्रेंडिंग वॉल्यूम अभी सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल देगा इसके और भी एग्जाम्पल आप टेस्ट कीजिएगा अब आती बात, है बात हाइएस्ट हाई और लोवेस्ट लो कैंडल की अब फिर से हमें इन सबको डिलीट करना पड़ेगा लेकिन लास्ट है हमारा हाइएस्ट हाई कैंडल का क्या पर्पस होता है ध्यान से समझना इसको प्राइस हाई 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 एक लगाया अगेन प्राइस देखिए क्या कर रहे हैं ना लोस और हाई लगातार लग रहे हैं इसके कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके आगे फिर हाई लग नहीं पाते मार्केट जब नीचे की दिशा में गिर रही हो ये हमारा क्या लगा हाई हाईएस्ट हाई यहाँ पर हम लोग ले लेते ले हैं ले इसको लोवेस्ट low. लोका क्या रीजन होगा और कैसे हम लोग इसको देखते हैं कैसे देखेंगे देखिए अभी जैसा हमने बताया कि एक हाई ऐसा होता है कि जिसके ऊपर फिर मार्केट निकल नहीं पाती है अपनी यहाँ पर लिखा है ना हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फाउंडेशन को देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होते हैं एक्चुअली किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक अगर हो जाता है तो वो कैंडल जिस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग की है एक्चुअली वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाती है इन सिंपल लैंग्वेज रेजिस्टेंस क्या है किसी भी एक कैंडल के ऊपर अगर दूसरी कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो पर्टिकुलर वो कैंडल जिस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है मार्केट ने वो कैंडल मेरी रेजिस्टेंस कैंडल बनती है एक सिंगल कैंडल इसके बाद में जब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं पर फिर हम लोगों को स्विंग्स मिलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं सब हायर हाई हायर लो लोअर लो लोअर हाई सी मिलते चले जाते हैं लेकिन सिर्फ एक कैंडल्स के अकॉर्डिंग चले और अगर हमें समझाना आपको कि रेजिस्टेंस क्या है दिस इज रेजिस्टेंस क्यों बताया हमने ये क्योंकि हाईएस्ट हाई या लोवेस्ट लोग मार्क करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी वो कैंडल जिसने हाई लगाया हो ओके तो यहाँ पर हाई किसने लगाया है ये कैंडल है जिसने हाई लगाया था अब आप देखो कि वो कैंडल जिसने हाई लगाया है कौन सी कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग की है तो वो तो ये वाली कैंडल है नेक्स्ट डे के लिए इस कैंडल का यूज कैसे होगा नहीं बताएंगे अभी सिर्फ कैंडल्स को पहचानो और खुद से एक्सप्लोर करो कि इन कैंडल्स का क्या इंपैक्ट गिरता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के चार्ट के ऊपर सेम यहाँ पर वो कैंडल जिसने लो लगाया है लास्ट लो फॉर्म करने वाली कैंडल तो ये वाली कैंडल हो गई इसमें बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को होने वाले जब आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे इसकी कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है ना तो लाइव मार्केट में मैं चार्ट्स भेजना और लाइव मार्केट में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करना अगर कहीं पर आप रुक जाते हो या फंस जाते हो तो ये आपकी वो कैंडल बन गई और ये लो लगाया इसने कौन सी कैंडल को ब्रेक करके क्लोजिंग की है तो वहां पर अपनी लास्ट कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल ये होता है मेरा हाईएस्ट हाई कैंडल ये होता है मेरा लो, लो कैंडल समझ के, इतनी कैंडल्स के बारे में हमने आपको बताया और जैसा हमने शुरू में कहा था आठ कैंडल्स इंपॉर्टेंट हैं ये तो जरूरी है आपका जानना लेकिन बाकी की जो कैंडल्स थी अपनी वो उसको हम लोग नहीं देखेंगे मतलब उन कैंडल्स के ऊपर से जितनी भी एनर्जी आपकी वेस्ट होने वाली थी वो अब वेस्ट नहीं होगी इसलिए अब जो भी है 67 कैंडल्स के ऊपर से अपना पूरा फोकस हटा करके इन आठ कैंडल्स के ऊपर रख दो और इसी को देखते रहो इसी को देखते रहो और इसी को देखते रहो लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ चीजें आपको बताई थी उन कैंडल्स की साथ साथ प्रैक्टिस चलेगी बाकी ये जो अभी हमने आपको कैंडल्स समझाई हैं इन कैंडल्स की प्रैक्टिस उसके साथ साथ चलेगी अब हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं हाईएस्ट हाई और

इस कैंडल के ऊपर इसने ऊपरली क्लोजिंग कर दी नेक्स्ट डे के लिए आपका ये जोन है आपने निकाल लिया सपोर्ट जब तक मार्केट आपकी इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं जा रही है ये स्ट्रांग है जब तक मार्केट इस एरिया को 325 की कैंडल हमने बताई फिर से देखिए नहीं चाहते हुए बार बार हम आपको हाउ टू यूज में लेकर के आ रहे हैं ये सही नहीं है मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट को नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक करती है ना आप मूवमेंट्स देखना से और कुछ हम अभी कुछ आपको नहीं बोलेंगे आपको बाइंग करनी, करनी है सेलिंग करनी है अब जो हम अब जो हम बात बोलने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझना क्योंकि कंफ्यूज मत हो इसके ऊपर जिन लोगों को वीडियोस हमने दिए हैं वो वीडियोस की वैसे ही प्रैक्टिस करना जैसे कि कर रहे हो हम लोग वीकली वाइज आगे की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे करके सारा सिलेबस हम लोगों को करना है जिन लोगों को अभी हमने वीडियोज नहीं दिए हैं उनके पास कोई काम और नहीं है सिर्फ इन वीडियोज की ही प्रैक्टिस करनी है और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का अपना सेशन था जो डिस्कशन है वो आज हमने नहीं किया है तो जिस ग्रुप का ट्रेड एग्जीक्यूशन का अपना सेशन था, इसको हम कल में रखेंगे मतलब कल शाम की जो क्लासेस वो नहीं हो पाएंगे किसी रीजन से शाम की क्लासेस अपनी नहीं होंगी कल दोपहर में एक क्लास होगी जो कि ट्रेड एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ एक ग्रुप की क्लास होगी बाकी किसी की कल कोई क्लास नहीं होगी जितनी चीज़ अभी हमने आज बताई है आपको सिर्फ आप इसी के प्रैक्टिस करोगे कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो लाइव उसको मार्केट में हमसे क्लियर करना प्रैक्टिस करना मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी मंडे को अच्छा मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये तीन दिन हम अवेलेबल नहीं रहेंगे हमें बाहर जाना है कहीं जिस वजह से कल शाम को ही हमें निकलना है तो रात की क्लासेस पॉसिबल नहीं इस वजह से हम दोपहर में उसको क्लियर कर क्योंकि ट्रेड डिस्कशन की जो क्लासेस हैं जरूरी है थोड़ा सा तो वो हम करेंगे बाकी जो चीजें आज हमने बताई ना इसकी प्रैक्टिस करना और अब एग्जांपल हम लोग एक और ले लेते हैं आप रनिंग में देख लो रनिंग मार्केट हो गई या फिर आपका जैसे चलिए एग्जांपल के लिए तो ले ही सकते हैं जैसे हाई कौन सी कैंडल है तो दिन का हाई कहां पर लगा है ये आपका सेकेंड ऑफ नवंबर की कैंडल है ये हाई है ये ऐसा है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हाई तो इसने लगाया है और इसने कौन सी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है इस वाली कैंडल की क्लोजिंग कौन सी कैंडल के ऊपर है तो हमारे पास तो ये वाली कैंडल बच रही है इस एक कैंडल के ऊपर है क्लोजिंग मतलब ये जो ब्लैक वाली कैंडल जिसने हाई लगाया है इसकी क्लोजिंग कौन सी कैंडल के ऊपर है तो ये वाली जो कैंडल है ना इसके ऊपर क्लोजिंग है और हम क्या करेंगे इसका एक लो रख लेते हैं अपने पास में ये बन गया पूरा जोन नेक्स्ट डे के लिए कुछ मत करना सिर्फ जो भी कैंडल आपका लो लगा रही है ये कौन कैसे कैसे भाई कौन सी कैंडल में लगा है ये वाली कैंडल ये कैंडल है अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है एक हाई और ये एक लो प्राइस अपने लोस को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है इसके पीछे का एक छोटी सी साइकोलॉजी उसको समझिए कि प्राइस अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा प्राइस डाउन साइड की तरफ आ रहा है वो अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा डाउन साइड की तरफ आ रहा है अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अप साइड की तरफ जाएगा रेस ये ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है तो सेम इसके सपोर्ट्स के साथ में इसका बिहेवियर रहता है कि ये सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आएगा अब यहाँ पर ब्लैक कैंडल को हम लोग क्यों लेंगे की तरफ आया ना अगर डाउन साइड की तरफ गिरा है तो मतलब किसने काफी सारे सपोर्ट्स ब्रेक किए होंगे और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आई है अब ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो कि ब्रेक नहीं हुआ मार्केट नीचे की तरफ आई है ना यहाँ पर देखिए आई है ये वाला एक सपोर्ट बन गया इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग की अब लो तो यहीं पर लगा इसके नीचे तो फिर गई ही नहीं मार्केट अप साइड की तरफ क्लोज हो गई तो ये एक जोन बन गया

यहां पर वो ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी इस जगह से और अगर इसने सपोर्ट ब्रेक करने कंटिन्यू किए तो ये फिर इसका अगला सपोर्ट होगा यहां से जाने के बाद में अगर ब्रेक कर दिया तो फिर वो और डाउन साइड की तरफ आपको फॉल तो मार्केट नीचे की तरफ आई मतलब ने सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए ये इस टेक्निक या इस मेथड के पीछे की जो साइकोलॉजी है सिंपल सी इतनी है कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ गिरी तो फिर वो अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर रही है हमें एक ऐसा सपोर्ट फाइंड करना है जिसको कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है यानी कि वो लास्ट सेशन जिसको कि ब्रेक नहीं कर पाई है मार्केट हमें वो आइडेंटिफाई कर लेना कर लेना है और फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं जैसे कि देखिए यूपीएल है यूपीएल का यहां पर ये यह लो लगा और ये एक हाई लगा ये लो है और ये हाई है हमारा अब इस हाई के पास में हाई लगा इस कैंडल ने कौन सी कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग की है कौन सी एक ऐसी कैंडल है जिसके ऊपर क्लोजिंग की है तो नाइन फिफ्टीन के कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग की एक ये यानी कि यहां पर नौ पंद्रह की कैंडल इंपॉर्टेंट हो है जो ब्लैक वाली कैंडल ये क्लोजिंग कौन किस कैंडल के ऊपर कर रही है की कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग कर रही है और इस कैंडल ने ही हाई लगाया बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस, इसको लेकर हमें क्या करना है वो कैंडल डिफाइन आइडेंटिफाई करनी जिसने हाई लगाया हो और अब सिंपल बस ये देख लेना पीछे घूम करके ये कौन सी कैंडल जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग की है जिसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग की है तो वो हमारी नाइन फिफ्टी मतलब अब यहां से फिर मार्केट गई नहीं है से कहीं से ने मूव नहीं दिखाया एक तरह मतलब से जो नौ पंद्रह स्ट्रॉग एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको और ले लीजिए बजाज ऑटो यहाँ क्या है लो से लेकर के लो हाई ये लो है और ये हाई हाईएस्ट हाई कैंडल हाई कौन सी कैंडल लगा रही है यहाँ पर ऐसी कौन सी कैंडल जिसके ऊपर क्लोजिंग की है प्रीवियस रेंज की ये वाली कैंडल्स फिर इसके ऊपर जिस कैंडल ने हाई लगा दिया है है पर इसने फिर क्लोजिंग नहीं की है। मतलब इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल पाई है तो ये अपना लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया मार्केट रिएक्ट होते हुए दिखाई पड़ेगा आपको लोअर टाइम फ्रेम्स पर भी और और भी लोअर टाइम फ्रेम पर चले जाओ आप थ्री मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाओ आपको और अच्छे सपोर्ट्स और कन्फर्मेशन दिखेंगे यहीं से रिजेक्ट हो रही है इसी एक जगह से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहा है ठीक है ऐसे हम लोग इसको वो प्रैक्टिस करेंगे अपकमिंग वीक के लिए जो आपका काम रहेगा सिर्फ इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करने का काम है और ट्रेड एग्जीक्यूशन के जो वो वो सेशन हम लोग कल लेंगे क्योंकि आप लोग अभी सभी लोगों का नहीं है ट्रेड एग्जीक्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों से हमने बोला है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बाकी सबसे नहीं बोला है तो जिन लोगों से हमने कहा है कह रखा है ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ उनकी क्लासेस कल के सेशन में होंगे तो कल के सेशन में हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन की क्लासेस कंप्लीट करेंगे और हाउ टू तो यूज वाला जो चैप्टर है ना ये हम कोशिश करेंगे आप लोगों का कल खत्म कर दें बाकी के लोग जिन्हें अभी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बोला गया है या फिर जो लोग अभी सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं स्टार्टिंग फेज में उनकी जो टू यूज वाली क्लास है इन कैंडल्स की वो हम अभी नहीं लेंगे मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू करेंगे लेकिन बाकी सभी लोग जिनका कल ट्रेड एग्जीक्यूशन होने वाला है तो पहले हम लोग ट्रेड डिस्कस कर लेंगे बाद में टू यूज पर आ जाएंगे तो आप लोगों का ये चैप्टर हम कल कंप्लीट कर देंगे खत्म कर देंगे ठीक है फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और कल मिलते हैं वापस गुड नाइट सभी लोगों को और